मूवी की शुरुआत में हमें 35 साल पुराना घर दिखाया जाता है, जहां के गार्डन से साफ पता चलता है कि घर में रहने वाले लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में ना रखते हुए बेबी सिटर घर में एंटर करती है। वो घर के ओनर मिस्टर गैम्बलर को आवाज लगाती है, बट उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर उसे मिस्टर गैम्बलर का फैमिली फ्रेम मिलता है, जो कि जमीन पर टूटा पड़ा होता है, और उस फ्रेम में मिस्टर गैम्बलर की आंखों में एक अजीब सा स्क्रैच लगा होता है। रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से बेबी सिटर वहां से वापस जाने लगती है कि तभी उसे घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो नीचे जाती है तो एक भयंकर दृश्य को देखकर हैरान रह जाती है, जहां एक माँ अपनी ही बच्ची को मारकर खा रही होती है। और जब वो बेबी सिटर डरकर भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर गैम्बलर दरवाजे को लॉक कर देते हैं, और सीन डोर पर बने हुए एक अजीब से साइन के साथ कट हो जाता है। दूसरी तरफ बेन को दिखाया जाता है, जो कि मूवी का लीड एक्टर होता है और जिसे पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। और मूवी में उस वक्त से 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने डैड के घर ट्रैवल करते समय अचानक नींद से उठ जाता है। 17 साल के बेन के मॉम और डैड का डिवोर्स होने वाला था, जिसे हैंडल कर पाना बेन के लिए काफी मुश्किल था। बेन का बिहेवियर काफी सेल्फिश होता है, जहां उसे दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं होता। वहीं जर्नी के वक्त एक ओल्ड लेडी उसके प्लास्टर में बनी ड्रॉइंग एन और बी के लिए उसे लिटिल आर्टिस्ट कहकर उसकी तारीफ करती है। बेन इस शहर में आकर खुश नहीं था, क्योंकि यहां की लाइफ उसकी लाइफ से काफी अलग थी, जैसे कि उसके डैड के पास LED नहीं होती और ना ही टाउन में घूमने की कोई अच्छी जगह होती है। और उसे फिर अपने डैड की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसका नाम सायरा होता है। उसके बाद बेन की फ्रेंडशिप मैलरी से हो जाती है, जिसकी एक छोटी बहन होती है और उसका नाम लिली होता है। मैलरी उसी शॉप में काम करती है, जहां की देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेन के डैड लिन पर होती है। मैलरी बच्चों को स्विमिंग और बोटिंग सिखाती है, और बेन के पड़ोस में टाई अपनी वाइफ एबी और 2 बच्चों के साथ समर टर्म वेकेशन स्पेंड करने के लिए आया होता है। एबी अपने बेटे डेलन के साथ जंगल में जाती है, जहां डेलन अपने कैमरे से पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तभी वो एक अजीब से ट्री के पास पहुंच जाता है, जिसमें एक केव का रास्ता भी होता है, और उसमें से डेलन को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। उसकी मॉम डेलन से बातें करते हुए आगे निकल चुकी होती है, और उस ट्री में ठीक वैसा ही साइन बना था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। धीरे धीरे पेड़ से आ रही आवाज एक डायन की आवाज में बदल जाती है, और केव से एक डरावना सा हाथ बाहर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसी समय एबी वहां पर आ जाती है, और डेलन जैसे ही पीछे मुड़ता है पेड़ गायब हो जाता है। अगले सीन में बेन को अपनी मॉम से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां बेन की मॉम उसे कहती है आई मिस माय बॉयज। यहां पर उसकी मॉम बॉयज क्यों कहती है, ये आपको मूवी को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। और अपनी मॉम की इस बात को बेन ढंग से नहीं सुन पाता, क्योंकि मैलरी वहां पर आ जाती है और उसे एक पार्टी में चलने को बोलती है, जिसके लिए बेन हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे सायरा के साथ डिनर पे नहीं जाना पड़ता। बेन के डैड ने डिनर सायरा और बेन को मिलवाने के लिए रखा था। घर पहुंचकर टाई को पता चलता है कि एक डियर गलती से एबी की कार से टकराकर मर गया है। फिर एबी उसे घर ले आती है, क्योंकि डियर एक अच्छा मीट माना जाता है। अब जब एबी डियर को कट करती है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसीलिए एबी उसे हाफ कटा छोड़कर ढक देती है। फिर नाइट पार्टी में मैलरी और बेन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और मैलरी जब बेन के प्लास्टर में अपना नेम लिखने लगती है तो उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती, और ऐसा वो बेन को कहती है। अब ये बात वो बेन को क्यों कहती है, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब रात को उस डियर में से एक अजीब से एविल पावर को निकलते हुए दिखाया जाता है, और वो एबी के घर के बेसमेंट में छुप जाता है। बेन उस एविल पावर की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है कि तभी टाई वहां पर आ जाता है और बेन को वापस जाने को बोलता है। अब सुबह एबी अपने गार्डन में वॉक कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि गार्डन में सारे फ्लावर्स मुरझाए होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है मानो कोई एविल एंटिटी उनके घर में एंटर कर गई हो। फिर रात को एबी का बेबी रो रहा होता है, तभी एबी उसे देखने के लिए जाती है तो उसे पालने में लकड़ियों की गठरी मिलती है। इससे पहले वो टाई को कुछ बता पाती, वो एविल एंटिटी वहां आ जाती है और उसे नीचे की तरफ खींच लेती है। फिर नाइट पार्टी से वापस आने पर बेन एबी को देखता है कि वो अपने छोटे बेबी को जंगल की तरफ ले जा रही है। जैसे ही बेन एबी के पीछे जा रहा होता है तो उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं और डिनर स्किप करने के लिए डांटते हैं। अगली सुबह टाई को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसका बेबी मिसिंग है। एबी अब अपने बड़े बेटे डेलन को शिकार बनाने वाली थी। डेलन अपनी मदर से काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि जब टाई घर पे नहीं होता डेलन अपनी मदर एबी को काफी वियर्ड पोजीशन में देखता है। अब रात को काम खत्म होने के बाद बेन को सायरा घर ड्रॉप करती है, और बातों ही बातों में सायरा बेन को बताती है कि उसे मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है। फिर बेन अपने घर पहुंचकर डेलन को छुपा हुआ पाता है, जो कि अपनी मदर से डरकर वहां पर छुप गया था। डेलन की
इस हालत को देखकर बेन को उसकी फैमिली पे शक होता है। फिर एबी को भी पता चल जाता है कि डेलन बेन के घर पे छुपा है, इसीलिए वो बेन के घर के डोर को नॉक करती है और नीचे की तरफ देखकर पूछती है कि डेलन कहाँ है। तभी बेन उसे झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता। इस बात से एबी को गुस्सा आ जाता है और वो बेन के दूसरे हाथ को भी तोड़ने की धमकी देती है। तभी टाई वहां पर आ जाता है और फिर डेलन भी अपने डैड की आवाज सुनकर नीचे आ जाता है और अपने डैड के साथ घर चले जाता है। वो अपने डैड से बोलता है कि मामा आजकल बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है, लेकिन उसके डैड उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब टाई सोने से पहले अपने घर में एक रूम को देखता है जो कि पूरी तरह से खाली था और उसे याद नहीं आ रहा होता कि वो रूम उसके घर में पहले से ही था या उसने उसे अभी ही नोटिस किया, और वो रूम टाई के छोटे बेबी का होता है। फिर नेक्स्ट डे मेलडी बेन को बताती है कि डेलन स्विमिंग क्लासेस के लिए नहीं आया, इसीलिए बेन चेक करने के लिए उसके घर जाता है और वहां पर वो डेलन के बारे में टाई से पूछता है। तभी टाई उसे बोलता है कि उसका कोई बेटा नहीं है। इस बात से बेन को उस पर शक होता है और वो डोर पर बने हुए साइन को देखता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, और फिर बेन उस साइन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है जहां हमें पता चलता है कि मिथोलॉजिकल हिस्ट्री के अनुसार ये साइन डार्क मदर उस घर पे बनाती है जो उसे पसंद आ जाता है। इनका जन्म पत्थर पेड़ की जड़ों चट्टान से होता है जो बच्चों को खाकर अपनी प्यास बुझाती है और नमक से खत्म हो जाती है। ये सिर्फ औरतों के शरीर के अंदर घुसकर रहती है और उनकी सोल को खाते हैं और ज्यादा दिनों तक किसी इंसान की बॉडी में नहीं रह सकती क्योंकि सोल को खाने के बाद बॉडी खत्म हो जाती है और सड़ने लगती है। मूवी में ऐसा एबी के साथ हो रहा था। इन सब बातों के बारे में पता लगाने के बाद बेन ये सारी इन्फॉर्मेशन मेलरी को बताता है। फिर मेलरी एक नोट को एबी के घर पर ड्रॉप करती है जिसमें लिखा होता है कि हमें पता है तुम्हारे बेसमेंट में क्या है। जिस नोट को टाई पढ़ लेता है और वो खुद बेसमेंट को चेक करने जा रहा होता है कि तभी उसे एबी रोक देती है और उसके कानों में कुछ बोलती है, जिसके बाद टाई के कानों से काला खून निकलने लगता है और टाई वहां पर फ्रीज हो जाता है। फिर बेन सच जाने के लिए एबी के बेसमेंट में जाता है जहां उसे पेड़ की जड़ों से बना हुआ एक एविल स्ट्रक्चर मिलता है जिस पर डियर स्कल लगा होता है और आसपास उन फैमिलीज की फोटो रखी होती है जिसे उस एविल पावर ने अपना शिकार बनाया था और उस शैतान फैमिली की मेमोरीज को मिटाकर उनके बेबीज को अपने केव में ले जाकर खा जाता था। तभी बेन एबी की फैमिली फोटो को वहां पर देखता है जिसमें टाई की आंखों में अजीब सा स्केच मार्क होता है। फिर उसकी नजर मेलरी की फैमिली फोटो पे पड़ती है जिसमें बेन को अंदाजा हो जाता है कि अब एबी का अगला शिकार मेलरी की छोटी बहन लिली है। वो मेलरी को कॉल कर सब कुछ बताता है, बट जिस बात का डर था वही होता है। कॉल पर मेलरी बेन को कहती है कि उसकी कोई छोटी बहन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एबी लिली को जंगल की तरफ ले जा रही होती है। फिर बेन उनका पीछा करता है और लिली को बचाने की कोशिश करता है। तभी बेन का सर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है, और जब बेन को होश आता है तो पेड़ गायब हो चुका होता है। फिर घर आने पर जब बेन के डैड उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उनके जवाब में बेन कहता है वो उनके बेसमेंट में इसीलिए गया था क्योंकि एबी ने बच्चों को मारकर खा लिया है। इस बात पर उसके डैड को बिल्कुल बिलीव नहीं होता। फिर वो किचन में जाता है जहां पर सायरा उसे सिंपैथी दे रही होती है, तो बेन नोटिस करता है कि सायरा अपनी कॉफी में मिल्क मिला रही होती है, लेकिन सायरा को तो मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब पास रखा हुआ फ्लावर मुरझा जाता है। तभी बेन समझ जाता है कि एविल पावर ने अब सायरा की बॉडी पे कब्जा कर लिया है और वो उस पर नमक से वार करता है जिससे वो अपने असली रूप में बदलने लगती है। जैसे ही वो बेन पे अटैक करने वाली होती है, बेन एन मौके पे उस पर नाइफ से वार कर देता है और उसे घायल कर देता है। और तभी बेन के डैड वहां पर आ जाते हैं और सायरा को घायल देखते हैं, और तभी पुलिस वाले बेन को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं कि तभी सायरा पुलिस ऑफिसर के कान में कुछ बोलती है जिससे बेन काफी डर जाता है और अपने डैड को बोलता है ये सायरा असली सायरा नहीं है। और बेन अपने डैड को बार बार बेसमेंट में जाने को बोलता है, लेकिन उसके डैड उसकी इस बातों को अनसुनी कर देते हैं। और फिर पुलिस ऑफिसर बेन को पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय एक सुनसान बीच पे ले जाता है जहां उसे वो मारने की कोशिश करता है। तभी एक डॉग पुलिस ऑफिसर को काट लेता है जिससे वो पुलिस ऑफिसर थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्शियस में आ जाता है और पुलिस ऑफिसर खुद को ही शूट कर लेता है। फिर बेन के डैड पता लगाने के लिए एबी के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां वो जिस मंजर को देखते हैं उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि वो एविल एंटिटी एबी के शरीर को फाड़कर बाहर आई होती है और टाई ने ब्लैक मैजिक की वजह से सुसाइड कर लिया होता है। और उन्हें वहां एबी की फैमिली फोटो के साथ साथ अपनी फैमिली फोटो भी मिलती है जहां उनके आईज पे स्क्रैच होता है। तभी पजेस सायरा डियर का स्कल पहनकर वहां पर आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। तभी एक्सीडेंटली उस जगह पर आग लग जाती है। जैसे ही सायरा के अंदर की एविल एंटिटी उनको मारने की कोशिश करती है, बेन आकर उन्हें बचा लेता है। जब घर जल रहा होता है तो बेन की फैमिली फोटो का सीक्रेट खुल जाता है और गाइस यहां हमें मूवी का सस्पेंस रिवील होता है जहां हमें पता चलता है कि बेन का एक छोटा भाई भी है। उस एविल एंटिटी ने उसके भाई की मेमोरी को बेन के माइंड से निकाल दिया था। फिर बेन को याद आता है उस दिन बस में ओल्ड लेडी लिटिल आर्टिस्ट कहकर उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसके छोटे भाई नेथन की तारीफ कर रही थी,
और इसीलिए मैलरी को पार्टी नाइट बैन के प्लास्टर में ड्राइंग करने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि नेथन ने पहले ही ड्राइंग करके उसका प्लास्टर पूरी तरह भर दिया था, जो कि बैन को बिल्कुल भी याद नहीं था। वहीं कॉल पे एक बार उसकी मॉम ने आई मिस माई बॉयज कहा था, क्योंकि उन्होंने वहां पे बैन और नेथन दोनों की बात करी थी। और वहीं जब सायरा के साथ बैन ने डिनर मिस किया था, तब टेबल पे हमने 4 प्लेट्स देखी थी, यानी कि नेथन भी वहीं पर बैठा था। और जब पजेस्ड एबी डेलन को ढूंढते हुए उनके घर आती है, तब वो नीचे देखकर नेथन से बात कर रही थी। अब तक हमें सब कुछ बैन की मैनिपुलेटेड मेमोरी के नजरिए से दिखाया गया था, इसीलिए मूवी हमें 5 दिन पहले से दिखाई गई थी, जिसने एविल ने बैन के छोटे भाई नेथन की मेमोरी को मिटा दिया था। अब सब कुछ याद आने के बाद बैन मैलरी को भी सब बताता है और उसे भी सब कुछ याद दिलाता है, जिसमें मैलरी को भी अपनी छोटी सिस्टर लिली याद आ जाती है। और दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। वो पेड़ के बाहर बहुत सारा नमक और केरोसिन डाल देते हैं। अब बैन मैलरी को बाहर इंतजार करने को बोलता है और अपना पेड़ के अंदर चले जाता है, जहां उसका सामना पहली बार उस एविल एंटिटी के डरावने रूप से होता है, जो कि उस वक्त डेलन को खा रही होती है। खुशकिस्मत से नेथन और लिली जिंदा होते हैं, जिन्हें बैन लिली की मदद से सेफली बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही बैन पेड़ से बाहर की तरफ जा रहा होता है, वो एविल एंटिटी बैन का पैर पकड़ लेती है। तभी बैन के डैड वहां कार लेकर आ जाते हैं और फुल स्पीड में कार उस एविल एंटिटी के ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर वो सब मिलकर ट्री को जला देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब वो टाउन छोड़कर जा रहे होते हैं, तो मैलरी बैन को फ्लावर देती है और उसे बाय बोलती है और कहती है कि मुझे कभी मत भूलना। बैन जैसे ही मैलरी के दिए हुए फ्लावर की खुशबू को सूंघता है, तो उसे पता चल जाता है कि मैलरी ने उसे आर्टिफिशियल फ्लावर दिया है। फिर बैन सोचता है कि उस एविल एंटिटी का अगला शिकार मैलरी तो नहीं। इसके बाद लास्ट सीन में हमें मैलरी को दिखाया जाता है, जिसमें वो कुछ बच्चों को लेकर लेक के बीच में जाती है और उसका फेस एक्सप्रेशन काफी डिफरेंट होता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।